देहरादून के नज़दीक एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़ी पगडंडियाँ हैं, घना जंगल है, गांव और खेत खलियानों के बीच खूबसूरत नज़ारे हैं। सबसे आकर्षक और दिलकश है वो झरना जो अनदेखा और अनसुना है। तो आज आपको इस खास जगह की खूबसूरत यात्रा पर ले चलते हैं। हमें नहीं मालूम था कि रास्ता इतना खूबसूरत है। मैं विजय भट्ट, मुझे घूमने का ऐसे ही घुमक्कड़ी का शौक है। हम कुल मिला के आज 4 आदमी शुरू करते हैं अपनी इस रोमांचकारी यात्रा। देहरादून से रायपुर की तरफ चलते हैं। रायपुर से स्पोर्ट्स कॉलेज और जो एयरपोर्ट जाने वाली थानों वाली सड़क है उस पर चलेंगे। खूबसूरत गांवों को निहारते हुए हम पहुंच जाएंगे थानों। थानों पहुंचकर एक रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा रास्ता ऊपर धारकोट की तरफ निकलता है। धारकोट पहुंचकर फिर 2 रास्ते हो जाते हैं। धारकोट से हम दूसरे रास्ते बडेरना वाले रास्ते जाएंगे और बडेरना जाते हुए बडेरना के 3 हिस्से हैं, बडेरना तक पहुंचेंगे और यहां पर हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। यहां के बाद शुरू होगा रोमांचकारी जंगली रास्ते का सफर। पहले तो बडेरना गांव ही बड़ा खूबसूरत। यहां आज भी हल्की खेती होती है, सीढ़ी नुमा खेत हैं, नज़ारे बहुत अच्छे यहां पर आपको देखने को मिले। इतनी बेहतर, इतनी सुंदर, इतनी नज़दीक जगह जो प्रकृति से भरपूर है और उस नेचर को हम इंजॉय बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है, झरना तो एक बहाना है। आप यहाँ आ रहे हैं तो गांव वालों से जरूर रास्ते का मालूम कर लीजिए। हमने भी किया था। यहाँ गाड़ी खड़ी करके हम चले पैदल, थोड़ा सा ही दूर आगे गए होंगे 200 मीटर। यहाँ 2 रास्ते हो जाते हैं। एक ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, यह जा रहा है हल्द्वानी। एक नीचे की ओर रास्ता जाता है। थोड़ा शक पड़क जाएं किधर, आपस में चर्चा की, गांव वालों ने क्या कहा इसको ध्यान से याद करने की कोशिश की। यहाँ पर आम का पेड़ था। यहाँ से हम नीचे की तरफ निकल गए। यह रास्ता जंगल के बीच से होता हुआ जाता है। जरा संभल कर चलिए, रास्ता आम रास्ता नहीं है। कभी कलाद कुछ लोग चलते होंगे रास्ते, जानवर चलते होंगे, पर देखने से लग रहा है कि अभी हाल ही में इस पर काम हुआ है। हो सकता है पेयजल वालों ने ये काम किया, क्योंकि झाड़ियाँ कटी हुई। कितना खूबसूरत ये जंगल है। विविध नाना किस्म के यहाँ पर पेड़, झाड़ियाँ, पौधे, लकड़ियाँ वैसे ही पड़ी हैं जैसे पारिस्थितिकी के अंदर होना चाहिए। इकोलॉजी को कोई डिस्टरबेंस नहीं। हमें देहरादून के नज़दीक इस ढंग का कोई जंगल नहीं मिलता जितना खूबसूरत यह जंगल है। बस थोड़ा संभल कर रहिए, थोड़ा सतर्क रहिए, झाड़ियों से बचिए। यहाँ पे वन विभाग ने पानी रोकने के लिए चेक डैम भी बनाए हैं। चाल भी हैं, खाल भी है। मनुष्य की यहाँ पर कोई भी गतिविधियाँ वैसी नहीं मिलती। आते जाते कोई आपको आदमी भी नहीं मिलेगा। चलते चलते हम अब आ गए हैं नदी में। फिर हमको 2 रास्ते मिले। अब फिर हमारी समस्या बनी, किधर जाएं? अब गच्चा तो खाया ही जाता है जहाँ पहली बार आ रहे हैं, थोड़ा परेशानी भी होती है। तो हमने आपस में तय किया, भाई किधर चलें?
तो देखा सामने एक पाइपलाइन जा रही है। हम अपने दाएं ओर की तरफ पाइपलाइन में चले गए, लगा कि हम अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। चलते गए, आगे और पानी मिला, लेकिन जैसे ही हम आगे पहुंचे तो ये पाइप पुराना पाइप था, इसका हेड जहां पर था वहां पानी तो जरूर था लेकिन कोई झरने के नामो निशान नहीं। हम थोड़ा निराश, पानी पिया और फिर उठ के वापस 100 मीटर के बाद हम मुख्य नदी पर थे। मुख्य नदी से फिर ऊपर की तरफ चले, नदी को फिर हमने नहीं छोड़ा। थोड़ा दूर आगे चलने पर हमें आवाज़ आने लगी पानी, आगे चलते हुए पानी के गिरने की आवाज़ हमने सुनी। ओह, सामने बड़ा खूबसूरत नज़ारा, क्या कहने, ऊपर से आता हुआ जल प्रपात और उसकी आवाज़ और उसके गिरते पानी ने हमारा स्वागत किया, हम सबका मन मोह लिया और हमारी जितनी भी रास्ते की थकावट थी वो सब छू मंतर हो गई। हम जी भर कर उसको देख लेना चाहते। ऐसी जगह तो लगता है यहीं रह लिया जाए, लेकिन समय की भी पाबंदी है। समय बीत रहा था। खाना हम घर से साथ लेके चलते हैं। अब खाना ऐसी खूबसूरत जगह खाना खाएं तो अपनी मेज को सजाना भी जरूरी था, तो चपटे पत्थर देखे और एक सुंदर सी मेज बना दी पत्थरों की। मालू के पत्ते भी हमने रास्ते से तोड़ लिए, मालू के पत्ते पत्थरों के ऊपर सजा दिए। सबने अपने अपने टिफ़न खोले और मिल बांट कर फिर झरने की आवाज़ के साथ में खाने का लुत्फ़ उठाया। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है, हम भी यही करते हैं, जो अपने साथ कचरा होता है खाने का बचा हुआ वो दोबारा पैक कर लें। लिहाजा आप भी अपने कचरे को जब भी यहाँ या ऐसी जगह कहीं पर भी जाएं, अपने कचरे को अपने साथ वापस लेकर आएं और सही जगह उसका डिस्पोज करें। इस झरने पर जाने के दो रास्ते हैं, एक तो जिसका हम बता ही रहे हैं कि बडेरना खुर्द से नीचे जंगल की ओर, हल्द्वानी वाले रास्ते पर न जाके नीचे जंगल वाले रास्ते पर लगभग 2.5-3 किलोमीटर नीचे आना है, और नीचे जो गाढ़ है उस गाढ़ से ऊपर उत्तर की तरफ चलना है। ऊपर की तरफ 1.5 किलोमीटर लगभग और चलना आपको पड़ेगा और 1.5 किलोमीटर बाद ये झरना पहुंच जाता है। और दूसरा रास्ता इसका पीछे जाखन वाले साइड से आता है। जाखन नदी पे ऊपर जब थानों से जाखन नदी, जाखन से ऊपर नाही कला है, और नाही कला वाले रास्ते से भी यहाँ आया जा सकता है बड़कोट की तरफ। सुसारू खाला, इसको सुसारू खाला घाट बोलते हैं, और सुसारू खाला घाट का यह झरना है। देहरादून से जो मुख्यालय है उससे इसकी दूरी लगभग 15-20 किलोमीटर की होगी। साहसिक यात्राएँ हैं उनमें जो रुचि रखते हैं, जंगल की साहसिक यात्राओं में रुचि रखने वाले, या जो चुनौती है प्रकृति की उसको स्वीकार करने वाले और प्रकृति को समझने वाले लोग यहाँ आए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
अगर आप कहीं आप बच्चों को लेके यहाँ आगे पिकनिक मनाने तो आप भटक सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। लिहाजा वही लोग यहाँ आए जो प्रकृति के बीच आनंद लेना चाहते हैं और प्रकृति की चुनौतियों को समझते भी हैं और उनसे दो चार होना भी जानते हैं। और हम उसी नदी से वापस खिसारू खाले से नीचे हमने चलना और हम शॉर्टकट के चक्कर में ऊपर चले गए और ऊपर जाकर लेंटिना की झाड़ियों में जो फंसे, जिस ढंग से फिर हमारे अगले 4-5 घंटे हमने एक अलग एक रहस्य रोमांच और अंधेरे के अंदर बिताए और किस ढंग से हम निकले उसको देखने के लिए आपको देखना होगा अगला वीडियो।